floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Hello everyone, once again, welcome back to our channel. Cast Karen, I'm going to see you in the cast Karen ki ek aur nayi video rehne wali hai is 2020 Brizza. ये इस गाड़ी का LXI मॉडल है जिसके अंदर हम लोगों ने डुअल टोन का इंटीरियर किया. गाड़ी के अंदर जो OEM से इंटीरियर आते हैं वो पूरा ब्लैक कलर का आता है. ब्लैक कलर के साथ हम लोगों ने इसके अंदर आपका चॉकलेट ब्राउन का भी एडॉन किया है. वो कुछ आप लोगों को पसंद है. मैं यही दिल्ली में ही रहता हूँ और मैंने ये वीडियो देखी थी मैम की और उसके बाद मैं आया और यहाँ बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है और नेचर वाइज भी सब अच्छे हैं. स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेयरिंग लेदर आप पे. सबसे पहले तो आप देखिए इसको हम लोगों ने 4 टोन के अंदर इसको रेडी किया है. अपर लोअर की साइड आपको कॉफी ब्राउन देखने को मिलने वाला है. साइड में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर में यहाँ पे हमने परफोरेशन इसका यूज किया है. थ्रेडवर्क आपका इसका डुअल टोन में आपको देखने को मिलने वाला कॉफी ब्राउन विद व्हाइट कलर का थ्रेडवर्क हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया है. ग्रिपिंग आप इसकी चेकआउट कर सकते हो, फिनिशिंग इसकी चेकआउट कर सकते हो. जस्ट लाइक OEM ही हम लोगों ने इसको रेडी किया है. हॉर्न पैड की बात करो तो हॉर्न पैड पे हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग की है तो आप उसकी फिनिश भी देख सकते हो कि हॉर्न पैड लेदर कोटिंग होने के बाद काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है. जो इस स्टेयरिंग का जो लुक है वो बेसिकली इसके हॉर्न पैड से ही आ रहा है और आप इसके लोगों के साइड के यहाँ पे भी आप पूरी फिनिशिंग इसकी चेकआउट कर सकते हो कि कहीं से भी कोई भी आपको फिनिशिंग में नहीं लगेगा कि फिनिशिंग इसकी अच्छी तरीके से नहीं है. जो इसका वी पैनल है यहाँ पे हम लोगों ने पियानो फिनिश किया है हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ. इसी वेंट्स की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आपको वुडी टच देखने को मिलने वाला है विद ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ. अगर इसका स्टीरियो पैनल की बात करूं तो स्टीरियो पैनल के आउटर को भी हम लोगों ने वुडी फिनिश दिया है अपना ग्लॉस फिनिश के साथ. और मैं एक और चीज बताऊंगी आपको, यहाँ पे जो अपर डैशबोर्ड है इसका वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर के अंदर है, बहुत ही डल है. तो उसमें कुछ डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे इसका एयरबैग वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया है अपना ओरिजिनल ग्रेन के साथ ब्राउन कलर में, चॉकलेट ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलने वाला है. ओवरऑल इसकी फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हो कि जो एक्चुअल फिटिंग है इसकी या जो एक्चुअल फिनिशिंग है, जो मेन पार्ट की OEM पार्ट की फिनिशिंग थी वैसी ही इस पार्ट की फिनिशिंग भी रहने वाली है. और अब आप पूछेंगे कि मैम आपने उस वाले पार्ट पे तो सॉफ्ट फिल कोटिंग कर दिया, तो हम लोगों ने स्पीडोमीटर के पैनल पे सॉफ्ट फिल कोटिंग क्यों नहीं किया है. अगर हम इस पे कुछ भी वर्क करते तो आप देख सकते हो कि विंडस्क्रीन ग्लास पे मेरा हैंड की रिफ्लेक्शन आ रही है. तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी वर्क करते तो उसका रिफ्लेक्ट आपके विंडस्क्रीन ग्लास पे आने वाला था. इसलिए कि कल को कुछ मिस हैपनिंग ना हो तो हम लोगों ने इसके स्पीडोमीटर वाले पैनल पे कोई वर्क नहीं किया है. अब चलते हैं इसके सीट्स की तरफ. सीट्स का पूरा फुल ऑन कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है, कॉफी ब्राउन के अंदर है जिसके अंदर हम लोगों ने मटेरियल यूज किया अपना सिल्क नापा का हम लोगों ने प्लेन भी यूज किया एंड इवन इसका परफोरेशन भी यूज किया है. अगर मैं बात करूँ इसके डिजाइनिंग की तो यहाँ पे आपको परफोरेशन और प्लेन के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट लुक देखने को मिलने वाली है. सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको परफोरेशन मिलेगा साइड्स में, आप चेकआउट कर सकते हो. सेंटर की तरफ आपको रूलिंग डिजाइन मिलने वाला है विद कॉफी ब्राउन कलर के थ्रेडवर्क के साथ. हैवी कुशनिंग हम लोगों ने इसके अंदर एड ऑन की है. सीट्स की बात करूँ तो सेम पैटर्न जो आपका सेंटर की तरफ था यही आपको सीट में भी देखने वाले को मिलने वाला है विद हैवी कुशनिंग के साथ. साइड पट्टों की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको परफोरेशन का जिगजैग डिजाइन देखने को मिलने वाला है. आप इसकी परफोरेशन की भी फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे हम लोगों ने जो पट्टे हैं यहाँ पे हम लोगों ने स्लांट डिजाइन दिया वो भी सिर्फ अपना थ्रेडवर्क से. और अगर मैं बात करूँ उसके हेडरेस्ट की तो हेडरेस्ट पे आपको वी डिजाइन देखने को मिलने वाला है. आप चेकआउट इसकी फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो जिस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर डिजाइनिंग किया है. आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल एंड सोबर हम लोगों ने इसके अंदर जो डिजाइनिंग की है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है. मेन पार्ट इस सीट का क्या रहने वाला है, इनर पे पूरी की पूरी जो थ्रेडवर्क यूज हुआ है वो हमारा चॉकलेट ब्राउन कलर का थ्रेडवर्क यूज हुआ है. बस आउटर की तरफ थोड़ा सा हाइलाइटिंग करने के लिए क्योंकि हमारी गाड़ी का जो बॉडी कलर है वो व्हाइट है तो आउटर पे हम लोगों ने व्हाइट कलर का थ्रेडवर्क यूज किया है. मतलब माशाल्लाह फिनिशिंग आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है. आप इसके साइड पट्टे देख सकते हो, थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर हैवी कुशनिंग दिया है. थोड़ा सा ब्रॉड इसलिए किया है क्योंकि कस्टमर की जो नीड थी वो चाहते थे कि कुछ कंफर्टेबल सीट होए. तो आप
चेकआउट कर सकते हो कि कहीं पे भी कोई भी रिंकल देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। अल्ट्रा कंफर्ट टॉप नॉच क्वालिटी के अंदर हम लोगों ने सीट को रेडी किया है, तो आप देख सकते हो कहीं भी कोई भी रिंकल नहीं है। आमलेट्स की बात करूँ तो आमलेट्स भी आप चेकआउट इसका कर सकते हो, फुल ऑन अपना है चॉकलेट ब्राउन के अंदर विद व्हाइट कलर का थ्रेडवर्क इसमें यूज किया है हम लोगों ने। एक्स्ट्रा कुशनिंग भी हम लोगों ने इसके अंदर दी हुई है, जो कि आपको दिखाई दे रही होगी कि पहले कुशनिंग नहीं थी तो अपना आमलेट्स कंफर्टेबल नहीं था, तो आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसकी फिटिंग की, तो फिटिंग आप देख सकते हो पूरा एच टू एच जो भी इसका पार्ट है वो पूरा का पूरा पैनल अपना कवर्ड अप है, कहीं से भी आपको अनबैलेंस फील नहीं होगा। या जिस तरीके की आपको मार्केट में देखने को मिलता है कि आमरेस की फिनिशिंग अच्छे से नहीं होती है, तो आप ये पूरा चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ अगर मैं बात करूँ उसके लोअर वाले डैशबोर्ड की, तो नीचे की तरफ हम लोगों ने लोअर डैशबोर्ड पे कोटिंग की है अपना चॉकलेट ब्राउन कलर के अंदर विद ओरिजिनल ग्रीन के साथ, तो आप इसकी भी फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हो। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर वर्क किया है बहुत ही परफेक्शन के साथ। सेंटर कंसोल भी आप इसका चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी हम लोगों ने इसके अंदर जो वर्क किया है वो उसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। गियर नॉब की बात करूँ तो एज पर कस्टमर चॉइस हम लोगों ने गियर नॉब को रैप किया है, वो भी अपना डुअल टोन के अंदर। नीचे की तरफ हमारा कॉफी ब्राउन रहने वाला, अपर पार्ट इसका ब्लैक है विद व्हाइट कलर के थ्रेडवर्क के साथ, तो आप इसकी फिनिशिंग भी चेकआउट कर सकते हो। इन सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोगों ने इसका पिलर भी, जो पहले अपना आइस ग्रे कलर के अंदर था, उसको भी हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग के अपना चॉकलेट कलर के मिले। तो आप इसका देख चुके हो, अब चलते हैं इसके डोर की तरफ, जो पहले कंपनी से अपना टोटली ब्लैक कलर के अंदर आया। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ये इसका एलेक्सा मॉडल है, तो यहाँ पे कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री या कोई भी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री नहीं थी, तो थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना लेदर सॉफ्ट लेदर लगाया है, आप ब्लैक कलर के अंदर, वो भी परफोरेटेड है। उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोगों ने कॉफ़ी ब्राउन कलर की लिप डाली है, आप देख सकते हो, वो भी अपना डिज़ाइनिंग के साथ है और अपना वाइट कलर का थ्रेडवर्क है। जिस तरीके से इसका डोर का मूव हो रहा है या डोर की जो पैटर्न बना हुआ है, उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको लेदर का लगाया हुआ है। अपर वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने वुडी टच दिया है विद ग्लॉस फिनिश के साथ। डोर हैंडल्स इसके पियानो ब्लैक के अंदर रहने वाले हैं हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ। पावर विंडो इसकी वुडी टच में रहने वाली है और जो ओवरऑल अपना डोर है, यहाँ पे हमने लेदर सॉफ्टली कोटिंग की अपना ब्राउन टच की। स्पीकर वाला पार्ट है या जो इसका इनर वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक भी मेंटेन किया है। कार के रियर साइड पे आने से पहले इसका रियर डोर भी आप इसका चेकआउट कर सकते हो कि जिस तरीके से फ्रंट डोर की लुक थी, वैसे ही आपको रियर डोर की लुक भी देखने को मिलने वाली है। विद परफेक्शन के साथ हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर वर्क किया है। सबसे ज्यादा मेन पार्ट क्या है, ये इस गाड़ी का एलेक्साई मॉडल है, तो इसके अंदर डिटैचेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, तो आप देखेंगे इसके अंदर हम लोगों ने डिटैचेबल हेडरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, जस्ट लाइक टॉप मॉडल की तरह। आप इसके हेडरेस्ट की फिनिशिंग भी चेकआउट कर सकते हो कि रियर सीट जो पहले बिल्कुल पेन थी, तो हेडरेस्ट लगने के बाद तो रियर बैक की और रियर सीट की भी फिनिशिंग देख सकते हो, जैसे हमारी फ्रंट की सीट थी वैसे आपको रियर की सीट देखने को मिलने वाली है, विदाउट एनी रिंकल, विदाउट कोई भी लूज या जो थ्रेडवर्क वर्क किया है, कोई भी कमी इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। फ्रंट सीट के बैक की बात करूंगी तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल कार्पेट एंड बिल्डिंग देखने को मिलने वाली है। और अगर रियर सीट से फ्रंट का लुक अगर आप चेकआउट करोगे तो आप देख सकते हो पूरी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट लग रही है। जो भी हम लोगों ने इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन लिया है चॉकलेट ब्राउन और अपना ब्लैक कलर के अंदर, कॉस्टिंग की थी इस ब्यूटीफुल कार को मेकओवर करने में अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आई वो आई 35,000 से लेकर 38,000। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लेदर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जो कि आप अपने चॉइस से उसको चूज कर सकते हो। आज हमारे से जुड़े हैं मिस्टर केशव जी, जिनकी ब्यूटीफुल कार रहने वाली है और सर रेडी है फीडबैक के लिए। सपना मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीजें बिल्कुल OEM फिटिंग वाली हैं और मतलब सेटिस्फाइड हूं। मैंने वीडियो देखी थी मैम की, तो मुझे उसमें काम बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आया था। होपफुली हम लोगों ने जो इसके अंदर इंटीरियर मेकओवर आया वो आप लोगों को पसंद आया, उसी के साथ अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, कमेंट सेक्शन पे ना भूलिए।
आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वैसे तो आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, तो थैंक्स अ लॉट। और हमारा आउटलेट भी विजिट करने के लिए यहाँ का जो एड्रेस रहने वाला है वो रहेगा कास्ट एलेन 13/13C रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया अपोजिट मेट्रोपिला नंबर KA44। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप हमारे आउटलेट की गूगल लोकेशन ले सकते हैं जिससे आपको हमारे आउटलेट पे विजिट करने में इजी होगा। इनकेस ऑफ एनी क्वेरी आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो नंबर रहेगा 7271939393। और आपने बहुत सारा सपोर्ट हमें किया है, ऐसा ही सपोर्ट हमें आपका पटना वाले आउटलेट पे भी चाहिए। वहाँ पे कॉल करने के लिए आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, नंबर रहेगा 7369939393। नोएडा आउटलेट पे विजिट करने के लिए वहाँ का एड्रेस रहेगा D39 Sector 10 नोएडा, वहाँ पे कॉल करने के लिए वहाँ का नंबर रहेगा 7271838383। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड और प्लीज फीडबैक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।